हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। क्या नमस्ते भाई, कविन, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? गुड गुड। तो मैं मनबीर हूं और तौफीक को तो आप यस, जानते ही हैं। हेलो तौफिक। हे कविन भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सीरियसली, आप इतने बिजी हैं और फिर भी यू अग्रीड टू टॉक टू अस। थैंक यू वेरी मच। इन्होंने सिडनी दर्शन कट शॉर्ट किया है आज हमारे लिए। अरे वाह, थैंक यू। सिडनी में कुछ नहीं भी नहीं नहीं रखा है थैंक यार, कुछ भी यू। नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहां अच्छा, पे। हम इतना बड़ा बड़ा बोल के इनको लेकर आए हैं, आप यहाँ पे जो नहीं, है मार्केट डाउन कर रहे हैं। सिडनी सिडनी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके सामने बैठी हुई है अच्छा, करेक्ट करेक्ट, दोनों। इसीलिए सॉरी। मैंने इस बात को ज्यादा तवज्जो दिया कि नहीं, पहले थैंक ये यू। करना चाहिए। सो कविन इज एन एस्टैब्लिश्ड हिंदी फिल्म, गुजराती फिल्म एंड ऑफ कोर्स वन तेलुगु फिल्म एक्टर। और जब भी कोई बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ता है तो मुझे लगता है कि भाई ये व्यक्ति में इतना रेजिलियंस है, इतनी हिम्मत है, और वो शिकारी से ज्यादा होशियार और फोकस्ड रहते हैं। क्योंकि जैसे शिकारी को रोज शिकार करना पड़ता है, तो वैसे ही यू कैन नेवर बी श्योर इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट कि आज आप अमिताभ बच्चन हैं और कल शायद ना हो। सो वेलकम एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सो कविन हैज बीन यू नो पार्ट ऑफ फेमस मूवीज लाइक माय नेम इज खान, मुंबई मेरी जान, सियासत, तीन पत्ती, स्कैम 1992, लंबी लिस्ट है। तो अगर मैं वही करते रहूंगा तो हमारा टाइम निकल जाएगा। लेकिन कविन इज हियर इन सिडनी डे, करेक्ट? आप गुजराती, गुजरात डे मनाने के लिए आए। करेक्ट, कि वाइब्रेंट गुजरात उन्होंने एक फंक्शन रखा था एंड दे वर सपोर्टिंग अ कॉज, सो आई जॉइन दैट कॉज, सो आई वाज हियर फॉर दैट। बट उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये वीकेंड में मैं कर रहा हूँ, दैट इज लाइक अ वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप। मैं पहली बार ओवरसीज एक एक्टिंग वर्कशॉप ले रहा हूँ, तो उसके लिए भी आया हूँ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हम लोग उसके बारे में अलग बात करेंगे। उसका हम लोग वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट। और उसका नाम भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, डोंट एक्ट, एंड इट्स एन एक्टिंग वर्कशॉप। लेकिन यस, पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर जर्नी, क्योंकि आप किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है। एंड ऐसा कहा करेक्ट, जाता है कि भाई बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, फ्ला है, ढिमकाना है, एंड एंट्री इज वेरी हार्ड। मुझे पता है, अगर आप, हो सकता है कि इसके अमिताभ के भी बेटे हैं, तो यू स्टिल हैव टू प्रूव योर वर्थ एवरी डे वहां पर। वर्क, या उसके बिना नहीं चलता है, you know? तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि मुझे ऐसा सुनने में आया कि आप 4 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहे हैं। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल मनबीर, तौफीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड जैसे कि मनबीर जी कह रहे थे कि फॉर एन एक्टर्स लाइफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन गोइंग एवरी डे, बिकॉज यू डोंट नो द व्हेन व्हेन जब कौन सा दूसरा काम आने वाला है। तो मेरी भी लाइफ कुछ वैसी ही थी। एक्टिंग मैंने बचपन से शुरू की थी। दैट वाज लाइक मतलब एक हमारे पहचान के थे जिन्होंने हमें कहा कि एज अ किड आई आई वाज अ लिटिल ऑन अ चबियर साइड, तो थोड़ा सा रोलू पोलू अच्छा क्यों दिखता था। तो उन्होंने मुझे देख के बोला कि आप इससे एक्टिंग क्यों नहीं करवाते हैं, मेरे पेरेंट्स को कहा। सो देन दे जस्ट गिव इट अ थॉट एंड फिर मेरा पोर्टफोलियो करवा के पहले का जो जमाना होता था जब पोर्टफोलियो बना के पिक्चर्स हम लोग सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो उसके पीछे पूरा एड्रेस और नंबर और वो सब लिख के हम लोग ने फोटो डिस्ट्रीब्यूट की, और एक काम मिला एक से दूसरा। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग टेलीविजन शोज लाइक फिल्मी चक्कर, जुनून, जय हनुमान। एंड फिर ये जर्नी मेरी 9th स्टैंडर्ड तक हुई, बिकॉज इन बैक देयर इन इंडिया स्टैंडर्ड 10th इज कंसिडर्ड एज मेक इट और ब्रेक इट काइंड ऑफ अ थिंग, इफ यू वॉन्ट टू चूज योर विच स्ट्रीम यू वॉन्ट टू गो टू। तो जी 10वीं का साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वहाँ पे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। देन अगेन जब मैंने कॉलेज में थिएटर करना शुरू किया
और कॉलेज मेरी खत्म हुई 2006 में, एंड 2008 से अगेन आई स्टार्टेड एक्टिंग, और अब तक मतलब चल रहा है। तो तो इन स्कूलिंग कहाँ, ए कौन से स्कूल से की है आपने? स्कूलिंग मैंने की थी बॉम्बे टाउन चर्च गेट एरिया में, एक स्कूल है कॉल्ड ब्लॉसम सुंदर भाई ठाकर सिंह इंग्लिश हाई स्कूल, वहाँ से मैंने की थी। एंड कॉलेज? एंड कॉलेज मैंने भवंस चौपाटी, ओह नाइस। और भवंस का एक और चीज़ अच्छी है कि वहीं पे नीचे भारतीय विद्या भवन ऑडिटोरियम है, तो वहाँ हम लोग ने खूब परफॉर्म किया, जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होती है और वो सब। सो भवंस कॉलेज नाटक कर्मियों के लिए बहुत ही जाना माना कॉलेज जाना जाता है, तो उस कारण वो कॉलेज में जाके फिर थिएटर करना शुरू किया था मैंने। तो क्या पढ़े आप कॉलेज में? मैंने किया बीएससी, बीएससी? तो यस साइंस स्ट्रीम इसलिए ली थी क्योंकि मेरे मेरे जितने भी कजिन्स और जो मेरे बड़े भाई बहन थे सब पढ़ने में अच्छे थे, तो वो लोग सब ने साइंस लिया था। तो और एक ही रीज़न पे मुझे साइंस लेने को घर वालों ने बोला था कि साइंस इज़ दी ओनली फील्ड, अगर आपको पसंद नहीं आई तो देन यू कैन गो टू कॉमर्स और आर्ट्स आफ्टर 12th, बट अगर आपने कुछ और लिया तो फिर साइंस कभी आप कर नहीं सकेंगे। तो ट्राई करने के लिए ट्राई द टफेस्ट, इफ यू डोंट लाइक इट देन यू कैन डू कॉमर्स और आर्ट्स और वट एवर। तो उसी उसी कारण मैंने साइंस लिया था 11th 12th में, और फिर बीएससी में भी मैंने मतलब ग्रेजुएशन भी मैंने फिर साइंस स्ट्रीम में ही की। आई डिड माय बीएससी इन बॉटनी एंड केमिस्ट्री। वाह, डिफिकल्ट। तो एज एन एडल्ट अपनी फर्स्ट ब्रेक के बारे बताइए, या कि भाई हाउ डिफिकल्ट वाज इट? फर्स्ट ब्रेक मैं अभी हाल ही में मेरे मेरे भाई के साथ ही ये सब शेयर कर रहा था, सो इट जस्ट रिकलेक्टेड एवरीथिंग। इट वाज वेरी ऑड बिकॉज मैंने जब बचपन में किया था, मैंने मैंने सोचा था कि अब वापस मैं एक्टिंग कर पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट इतना ज़रूर था कि ये इंडस्ट्री में मुझे कुछ करना है। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट एडिटिंग, लाइक आई वुड बी इन द इंडस्ट्री एंड दिस इज अ जॉब वेयर इट्स अ टेक्निकल थिंग एंड आई वुड लव टू डू एडिटिंग एंड इन फ्यूचर फिर डायरेक्शन और वो सब भी कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में था। तो जब मैं एडिटिंग के लिए परस्यू करने गया तो मैं जितने भी एडिटर्स से मिला, जो दोस्त लोग थे जिनको जाके मैं थोड़ा पूछता था कि हाउ व्हाट इज द फील्ड और कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने सबने मुझे देख के यही बोला कि भाई तू एक्टर है तो एक्टिंग कर, तू तू एडिटिंग क्यों करना चाहता है, व्हाई डू यू वांट टू एक्सप्लोर, लाइक यू आर एन एक्टर जस्ट गो डू इट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने का सोचा, तो जो एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम होती है वो मैंने दी थी, तो उस एंट्रेंस एग्जाम के दौरान जब मैं ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए गया था, जो एक मॉक होता है इंटरव्यू टाइप होता है, दे गिव मार्क्स बेसिस ऑन हाउ इट वेंट, तो जब मैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ पे जो एग्जामिनर थे उन्हें जब पता चला कि मैं एक्टर हूँ, तो मुझे देख के बोला कि जय हनुमान में तुम थे, तो मैंने बोला हाँ, बोले यार तुम एक्टर हो, तुम क्यों एमबीए करना चाहते हो, मतलब इतने लोग एमबीए पहले से मौजूद है, तुम क्यों करना चाहते हो भाई, तुम एक्टर हो, तुम ऑलरेडी एक स्पेसिफिक फील्ड में हो, तुम वो करो। तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस, मैं बोला कि सर अगर आपको मार्क्स नहीं देना तो आप बोल दीजिए कि भाई फेल हो गोली बल फिट करो। हाँ कि मतलब आप ये मत करो। देन ही इज लाइक अरे भाई मैं सीरियस हूँ, यू वांट मार्क्स ना, वेट। उन्होंने मेरी फाइल ली, पूरा मार्क्स दे दिया, अरे वाह, रखा सेट में, फुल मार्क्स दे दिए तुम, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो कि तुम एक्टर हो, तुम एक्टिंग करो। तो ये मुझे लगा कि मतलब यूनिवर्स इज थ्रोइंग सिग्नल्स कि क्या, तो मैंने घर पे जाके ऐलान कर दिया कि भाई अब तो एग्जामिनर ने भी बोल दिया है कि तुम्हें एक्टर बनना है, तो मैं अभी कुछ मैं एमबीए एमबीए नहीं करूँ, मैं एक्टिंग पे ध्यान दूंगा। वाह। जब मैंने 2008 में वापस जब स्ट्रगल करना शुरू किया, मैंने मेरा पोर्टफोलियो,
सबसे पहले तो पता चला कि जब मैं फोटोग्राफ का मैंने इतनी सारी कॉपीज बनाई, बोला कि अब ये सब नहीं होता, अब तो ईमेल जाता है। मैं बोला अच्छा, तो मैंने क्यों कॉपीज की इतनी सारी? तो बोला कि नहीं, आप ईमेल कर दो। फिर ईमेल करने के लिए भी देन देवर कोऑर्डिनेटर्स, तो मैं जब पहले करता था तब कोऑर्डिनेटर्स नहीं थे। कोऑर्डिनेटर्स को आप फोन करो तो उनमें से थोड़े जाने माने कोऑर्डिनेटर्स थे, तो वो तो आपसे बात करने के पैसे मांगते थे अच्छा कि हाँ कि आप अच्छा आप एक्टिंग करना चाहते, ठीक है आप फोटोग्राफ भेज दीजिए, उसके साथ 5,000 रुपये भेज दीजिए और हम देखेंगे, अगर आप जहाँ फिट होंगे वहाँ पे ऑडिशंस के लिए आपको मैसेज कर देंगे। अच्छा तो इस तरह से शुरुआत की मैंने वापस, और पहली फिल्म जो मुझे मिली थी वो थी मुम्मे मेरी जान, और उसके पहले मैंने की थी अ फिल्म कॉल बेधुंद, विच इज़ अ मराठी फिल्म। ओके तो मैंने एक मराठी फिल्म की है, गुजराती फिल्म की है, एक तेलुगु फिल्म भी की है, वाह एंड अब मतलब सोच रहा हूँ कि बंगाली और कन्नड़ और तमिल भी कर लूँ, तो सारी लैंग्वेजेस जहाँ पे रीजनल सिनेमा है वो सब हो जाए। सो या मराठी वॉज माई फर्स्ट फिल्म, एंड आफ्टर दैट आई गॉट मुंबई मेरी जान। एंड दैट वाज अ गुड रिकॉग्नाइज्ड मूवी एंड योर रोल यस वाज यस प्रोमिनेंट इन दैट. यस तो ये जो हम लोग स्टोरी सुनते हैं कि भाई ये नेपोटिज्म है, एंड इज इट रियली दैट हार्ड टू ब्रेक इन नाउ? आई मीन ऑफ कोर्स इट इज हार्ड, लेकिन रिश्तेदारी होना, और आज जैसे आप कह रहे कि कोऑर्डिनेटर्स हैं या आजकल कास्टिंग कंपनीज हैं, तो आ, कास्टिंग आ, आज आज अभी ये जमाना हो गया है, 2008 में कोऑर्डिनेटर्स थे, आज कोऑर्डिनेटर्स आर नो मोर रेलेवेंट, आज कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स है कंपनी. ही नहीं, आज आज अभी सीधे कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं। जैसे जैसे जमाना चेंज होता है, तरीके चेंज होते हैं और नए तरीकों के साथ आपको एडजस्ट होना पड़ता है। आप जो कह रहे थे अबाउट नेपोटिज्म, उस पर मेरा एक यही मानना है, मतलब लोग भले ये डिबेट चलता रहेगा कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म, लेकिन मैं ये कहूंगा कि राजा अपना थ्रोन अपने बेटे को ही देगा ना। आई मीन बिल्कुल कोई अगर बिजनेसमैन है और उसका मतलब करोड़ों का कारोबार है, तो वो तो ऐसे राह चलते हुए कोई ये ज्यादा टैलेंटेड है मेरे बच्चे से, मैं इसे लेके अपनी गद्दी पे बैठाऊंगा, ऐसे तो कभी होता नहीं है, ये मतलब सालों से चलता आया है। तो सही. मैं नहीं मानता हूँ कि नेपोटिज्म टाइप है, बिकॉज दिस इंडस्ट्री में स्पेशली आप जितने भी किसी की पहचान लेके आए हो, आपको पहली फिल्म मिलेगी ना, पर वो फिल्म के बाद ऑडियंस तय करेगी कि आपको और कितनी फिल्में मिलनी चाहिए। सो व्हाट आई थिंक इज टैलेंट जो है और जो ऑडियंस है उनको समझ में आता है, भले आप कोई भी हो, आपको शायद पहली फिल्म इजीली मिल जाए, लेकिन वही फिल्म को बरकरार मतलब वही चीज को बरकरार रखने के लिए और फिल्में मिलने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ती है, टैलेंट होना चाहिए और उसको स्किल्स को होन करते रहना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि नेपोटिज्म चीज आप भले बोल लो बट वो कहाँ पे नहीं होता। जी. एंड आपने कहा कि भाई होन योर स्किल्स, और होनिंग योर स्किल्स के ही सिलसिले में आपकी जो वर्कशॉप होने वाली है इस वीकेंड, उसका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, डोंट एक्ट. ये क्या कहानी हुई? ये कहानी ये हुई सर कि हमारे जो गुरुजी थे पंडित सत्यदेव दुबे, तो 2008 में जैसे ही मैं काम करने लगा, मैंने थिएटर भी शुरू किया था, एंड आई डिड माय फर्स्ट प्ले विथ पंडित सत्यदेव दुबे, इट वाज अ प्रोडक्शन कम वर्कशॉप। तो 3 महीने का पहले वर्कशॉप था और वही उन्हीं स्टूडेंट्स में से प्रोडक्शन था, एंड तो बड़ा अच्छा एक 3 महीने का हमारा स्कूलिंग हुआ, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं जो कॉलेज में जिनके नीचे मैं सीख रहा था, ही हिमसेल्फ वाज दुबे जी स्टूडेंट, तो मेरी जो दुबे जी की टीचिंग थी वो मुझे कॉलेज से ही थोड़ी थोड़ी मिल रही थी। तो ये 3 महीने में वो सब मतलब वापस रिवाइज हो गया और भी बेहतर हुआ, एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि फिर ज़्यादा गालियाँ नहीं पड़ी दुबे जी से। तो वो हमेशा कहते थे कि डोंट एक्ट, ब्यूटीफुल. एक्टिंग मत करो, कि आप एक्टिंग क्या होता है, इट्स जस्ट इफ समबडी एक्ट्स यू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, दैट इज एक्टिंग। आप यही चीज अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं,
आप वही चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और वही चीज़ें आप पर्दे पर करने की कोशिश कीजिए, वही एक्टिंग है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो वो हमेशा कहते थे कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती पर सीखी जरूर जा सकती है। तो वाह वाह ये एक बहुत ही अच्छी लाइन थी उनकी, जो वो टाइम पे समझ में नहीं आया, हम लोग ने रट्टा मार लिया था। लेकिन टीचर्स किस किस्म के होते हैं, किस तरह के टीचर्स होते हैं? अब यस थिएटर इज नोन टू हैव वन ऑफ द मोस्ट एसेंट्रिक टीचर्स, इफ आई मे यूज दैट टर्म, एकदम विचित्र किस्म के लोग होते हैं। और यस थिएटर किसी गुरु से सीखना अपने आप में एक खान खोदने जैसा है, क्योंकि उसमें से नगेट्स निकलते हैं इवेंचुअली। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ टीचर्स हैव यू कम अक्रॉस? एंड दुबे जी तो खैर लेजेंड अपने आप में रह चुके हैं, और व्हाट हैज बीन योर जर्नी विद टीचर्स? व्हाट डू यू फाइंड और व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ टीचर? देख, ऑल माई लाइफ आई एम फॉर्चुनेट इनफ एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव ब्रिलियंट टीचर्स, बिल्कुल जो कि हर एक चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से सिखाते थे। तो वो जो चीज़ उन्होंने जिस तरीके से सिखाई है वो ऐसा घर कर जाती थी। मैं अगर मेरे पढ़ाई के दिनों की बात करूँ तो एक एक हमारे प्रोफेसर थे, जो चीज़ें जितने भी फॉर्मूलाज और जितने भी फ्लो चार्ट्स हमको बनाने होते थे, तो उन्होंने एक अच्छी तरह से एक पीस, मतलब एक चीज़ सिखाई थी कि यू मेक अ रैप सॉन्ग आउट ऑफ इट। तो वो आपको याद भी रह जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि किस तरह से वो चीज़ जो मैंने 12वीं में पढ़ी थी वो आज भी मुझे याद है, क्योंकि उनका सिखाने का तरीका उस तरीके से था। तो ऐसे बहुत सारे मेरी लाइफ में टीचर्स आए हैं एंड आते रहते हैं, बिकॉज व्हाट आई थिंक इज आपका टीचिंग, आपका सीखना कभी रुकता नहीं है। आपको कोई भी कहीं पे भी सिखा सकता है, और जो चीज़ मुझे एक, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, अगर उससे मैं कुछ नई चीज़ सीखता हूँ तो मैं उसे अपना गुरु ही कंसिडर करता हूँ। बिल्कुल, इट्स प्रेटी मच एकोइंग व्हाट यू यस स्टार्टेड, जो हमने बात कर रहे थे। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डोंट राइट एक्ट, मुझे डोंट एक्ट पे वापस आना है कि यस डोंट एक्ट जो आप बोल रहे हैं, जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है कि डोंट एक्ट मीन्स डोंट थिंक देर इज एन ऑडियंस। अगर आप सिर्फ सीन करने के लिए सीन कर रहे हैं, आप ऑडियंस के बारे नहीं सोच रहे हैं कि मुझे कोई देख रहा है। एंड ये मैंने गंटर ग्रास की किताब में पढ़ा था कि भाई वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मुझे ना सर्कस में काम करना है, लेकिन मेरी सर्कस में कोई ऑडियंस नहीं चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज प्योरली डूइंग समथिंग बिकॉज यू लव इट। तो जैसे आप कह रहे हैं कि डोंट एक्ट, और वो मेरे दिमाग में घर कर गई, सो दैट्स व्हाई मैं आपको बार बार वहां पे लेके आ रहा हूं। लेकिन अगर आप ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं कि आपको ऑडियंस नहीं दिख रही है, सिर्फ आपको वो सीन में आप पूरे डूबे हुए हैं, तो आई थिंक यू अचीव्ड इट। इज दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? करेक्ट। और वो चीज़ आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने लिए कर रहे हो, ना कि ऑडियंस के लिए। तो अगर अगर आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो तो भूल जाओ कि ऑडियंस बैठी है, भूल जाओ कि कोई आपको देख रहा है। आप सिर्फ अपने लिए करो तो दैट विल बी द बेस्ट व्हाट यू कैन परफॉर्म। सो हाउ आर यू गोइंग टू टीच दिस? ये 2 दिन आपके साथ, दैट विल बी क्वाइट ट्रेजर्ड। ये 2 दिन, मतलब मुझे तो लगता है कि 2 दिन काफ़ी कम है, बिल्कुल बट फिर भी ये 2 दिनों में जो जो मैं जिस तरह से मैं सीखा था, जिस तरह से चीज़ों को, मतलब जब हमको कोई सिखाते थे, एंड आई व्हाट आई थिंक इज जब आपको कोई सिखाता है तब आप चीज़ को ले लेते हैं, बट आप वो चीज़ को तब सीखते हैं कि जब वो चीज़ के साथ आपका एक्सपीरियंस होता है। तो अगर अगर मैं बोलूं कि 2 + 2 = 4, वो आपने बचपन में रट्टा मार लिया, लेकिन जब आपने 2 चीज़ें ली और आपने, आपके साथ जब वो प्रैक्टिकल आपके सामने हुआ, तब वो आपके साथ जिंदगी भर तक रहता है। तो
जो जो जिस जिस तरह से मैं सीखा था, मैं अंडरस्टैंड किया हूँ चीजों को, तो आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग थिंग्स. एंड जो जो इतने साल का जो मेरा स्ट्रगल था कि ये चीज आज जब अगर उसको मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई की है, तो वही चीज से मैं लोगों को हेल्प करने की सोच रहा हूँ ये वर्कशॉप के माध्यम से, कि अगर उनको जो प्रॉब्लम है जो मुझे 15 साल पहले थे जब जब मैं फ्रेशर था, और उसको मैंने किस तरह से तब सीखा था और आज कैसे मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. इट्स अबाउट दैट. सो दिस वर्कशॉप इज अबाउट दैट. सो कविन, मेरे एक टीचर मेरे थिएटर जर्नी में रहे हैं, लेट आरएफ रिजवी साहब. उन्होंने एक बार बड़ा दिल तोड़ दिया था हम सारे बडिंग एक्टर्स का, ये बोल के कि यार तुम लोग आगे जाके लाइफ में एक्टिंग एज अ करियर परस्यू करो या ना करो, तुम फिर भी इस लाइफ स्किल्स को अपनी जिंदगी में कहीं जगह इस्तेमाल करते हो. तो व्हाट इज दैट मीन टू यू? हाउ इज एक्टिंग द स्किल्स ऑफ एक्टिंग अ लाइफ स्किल? स्किल्स ऑफ एक्टिंग, लाइफ स्किल्स. जैसे कि वर्कशॉप में एक एक चीज में जिसके ऊपर तवज्जो दूंगा कि इट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन इज अ लाइफ स्किल, और आप एक्टिंग में वो नहीं करते हो. सो इट स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, कि आप अपने आप को कितना जानते हो. क्या आपने कभी अपने आप को आईने में खड़ा आप आईने में आप खड़े खड़े रहकर अपने आप को देखा है कि आप जब ये सोचते हो या ये एक्सप्रेशन जब आते हैं, तब तो आपका चेहरा कैसे हो जाता है. आज मैं जब एक ये ऊपर करता हूँ तो मैं कैसा दिखता हूँ और वो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है. मतलब इतनी चीजें अपने आप की है. मैं किस तरह से बैठता हूँ, मैं फोन किस तरह से पकड़ता हूँ, मैं क्या ऐसे हाथ रख के पकड़ता हूँ, ऐसे हाथ रखता हूँ. मतलब ये छोटी छोटी चीजें, ऑब्जर्वेशन, अगर यही चीज है तो ये स्किल एक है जो आप एक्टिंग में भी यूज कर सकते हो, लाइफ में भी यूज कर सकते हो, कि जब आप सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो कि भाई वो क्या करता है. मैं ये चीज बहुत यूज करता हूँ कि अगर कोई सामने वाला बंदा है उसको ऑब्जर्व करके, फिर मेरे पास जो एक मेरे कैरेक्टर्स की बुक होती है कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ करने का ऐसा कुछ करके, तो कॉन्स्टेंटली मेरा वो चलते रहता है. इफ आई फाइंड अ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आई ऑब्जर्व एंड आई कीप इट इनसाइड. तो तो ऐसा होता है आपके साथ? ऐसे करते हो आपके आपने जैसे किसी बंदे को देख लिया कि मेरे इसको इस सीन में या इस पिक्चर में इस तरह इस्तेमाल करूंगा, कभी किसी बंदे ने आपको आके वापस बोले अरे ये तूने मेरी नकल गिरी गया? वैसा वाला मतलब स्टेज पे काफी होता है, जो अच्छा जो हमारे आसपास होते हैं. तो स्टेज पे जब एक एक कैरेक्टर आप पकड़ते हो या कुछ करते हो, तो उसमें 2-3 बार ऐसा हुआ है कि उसने आके बोला तूने ये किया था ना, तूने इनको पकड़ा था ना, वैसी वैसी चीजें हुई है. अभी जैसे आप बोल रहे हो कि भाई मैं ऑब्जर्व करता हूं कि भाई मैं फोन ऐसे पकड़ता हूं कि मैं ऐसे दिखता हूं कैसे दिखता हूं, येट गुड एक्टिंग इज अबाउट फॉरगेटिंग योरसेल्फ. एक तरफ कि भाई मैं जब अपना आईब्रो ऊपर करता हूं तो कैसे दिखता हूं, मैं जब गुस्से में दिखता हूं तो कैसे दिखता हूं, लेकिन अच्छी एक्टिंग में आपको खुद को भूलना पड़ता है. तो ये करेक्ट. कहा, हाउ डू यू मिक्स दैट कि भाई मैं अपने आप को भूल गया हूं लेकिन इंटरेस्टिंग. तो फॉर एन एक्टर, जब आप रियाज करते हैं, तो ये एक्टर का रियाज है जो मैं बोल रहा हूँ. जब कोई गायक गाता है, तो जब जब वो परफॉर्म कर रहा है या अपने लिए गा रहा है, तो वो भूल जा रहा है कि ऑडियंस है या जो भी है. लेकिन जब वो रियाज करता है, जहाँ पे उसकी मिस्टेक्स हो रही है, वो तो उसको फुल ध्यान रख के करना पड़ेगा ना. सो दिस इज लाइक अ रियाज बिफोर योर परफॉर्मेंस, एंड दैट कॉन्स्टेंट रियाज आपका चलते रहता है फॉर एन एक्टर. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक्टर एक ऐसी जात है जिसको जिसको रियाज करना पड़ता है, लेकिन वो ज्यादा रियाज करते हैं नहीं, बिकॉज उनको लगता है कि एक्टिंग आ गई तो फिर आ गई. जैसे आप बहुत अच्छे बड़े सिंगर को देखते हैं, वो भी मतलब ये मुकाम पे पहुंचने के बाद भी दिन में चार, और जितने ऊपर जाते हैं उतना उनका रियाज बढ़ते जाता है. आप पेंटर को देखो, वो दिन भर पेंट करते रहते हैं, तब जाके उनकी पेंटिंग
उतनी होती है, और एक मुकाम पे पहुंचने के बाद भी फिर भी उनकी पेंटिंग वैसी होती रहती है। एक एक्टर आर्टिस्ट कम्युनिटी में वैसे होते हैं कि जहाँ पे उनको लगता है कि यार रियाज करना छोड़ देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं वो छूटना नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप मनवीर जी जो पूछ रहे थे कि वो चीज़ जब आप परफॉर्म करते हो आपको अपने आप को भूल जाना होता है, वो 100% जब आप स्टेज पे होते हो आपको ऑडियंस को भूल जाना होता है। यू आर परफॉर्मिंग फॉर यू, एंड वो एक्सपीरियंस बहुत बहुत बेहतरीन होता है कि व्हेन यू रीच दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, एंड पर उस वो परफॉर्मेंस और वो चीज़ों को पहुंचने तक आपको ये करना पड़ता ठीक है, ये क्राफ्ट को आपको शार्पन करना पड़ता है। जी। और कविन, आप तो एक करेक्ट। एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, ऐसे इंसिडेंसेस हैं आपके पास एंड जरूर होंगे, आप हमसे आज कौन सा शेयर करेंगे? दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, कि यू हैव लुक्ड अप टू एक्टर्स ग्रोइंग अप। हम हर हर कोई करते हैं एज एक्टर्स, ऐसा कभी हुआ है? कितने इंस्टेंसेस हुए हैं जब आपके वो इंस्पिरेशंस ने आके किसी एक जेस्चर में, चाहे वो पीठ थपथपाई हो या अल्फाजों से बोला हो कि अच्छा किया? शेयर सम मोमेंट्स इफ यू कैन। अच्छा किया ये लेकिन आई'ल शेयर व्हाट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर स्प्राइट कमर्शियल्स। जैसे कि आपने कहा कि आप अपने हीरोज को देखते हैं व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, और फिर जब उनके सामने करना होता है, तो एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया मेरे साथ हुआ था कि स्प्राइट की एड चल रही थी, सामने मिस्टर शाहरुख खान थे, और एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि कल आप शूट कर रहे हैं शाहरुख खान के साथ, एंड आई हैड टू शूट टू एड्स विथ हिम इन अ डे। और सुबह मैंने पहले नहीं सो आई हैड टू शूट थ्री एड्स इन अ डे। सुबह सौरव गांगुली दादाजी उनके साथ काम किया था, और दो एड मिस्टर शाहरुख खान के साथ आपको करनी है। वाह, तो आई वॉज लाइक ओके, मतलब सौरव गांगुली है तो मेरे मतलब आइडल है, वो कुछ नहीं, वो तो एक्टिंग कर लूंगा मैं, बट आई हैव टू एक्ट विद शाहरुख खान। सो आई वाज साइकिंग माय सेल्फ कि नो प्रॉब्लम, ही इज आल्सो एन एक्टर, वो आपके को एक्टर है, आपको सामने उनके परफॉर्म करना है, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जब मैं उनसे मिला और जिस तरह से वो मुझे ग्राउंड पे मिले, मैं ऐसा बैठा हुआ था, वो पीछे से आया, उन्होंने ऐसे पीछे से हाथ किया और ऐसे घूम के आया, हाय ए कविन, आई सी योर वर्क, यू सो गुड, हे कांग्रेचुलेशंस दिस दैट, वाह एंड ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हाय आई एम शाहरुख, एंड आई वाज लाइक ओ। ऑफ तो कोर्स यू वो आर। जो पूरा जो जो पूरा जो एक 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 रात पहले अपने आप को जो साइक आउट किया था, आई वाज एंड आई वाज लाइक टोटली गॉन, एंड दैट अ फैन मोमेंट काइंड ऑफ अ थिंग हैपेंड, एंड देन आई सेड हाउ कैन व्हाट हाउ कैन आई एक्ट एट दिस टाइम। देन आई अगेन वेंट असाइड, थोड़ा अपने आप को ऐसा पेप टॉक दिया, बोला कुछ नहीं, यू लाइक यू आर एक्टिंग, ओके फॉरगेट एवरीथिंग, नाउ यू हैव टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ। तो मेरे साथ ऐसा हो गया कि जब मैं उनके साथ कर रहा था, शाहरुख खान वाज दिस क्लोज, ओके, एंड वो बोल रहे हैं कि मतलब डायलॉग ऐसा था कि आई हैव जितने भी बॉडीगार्ड्स और जितने भी वैसे डरावने दिखते हैं वैसे लोगों को मैं लेके आया हूँ, एंड आई हैव मेड अ टीम आउट ऑफ इट, एंड आई एम सेड कि सर अगले आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, ऐसा है। तो ही जस्ट लुक्स एट द टीम एंड ही इज लाइक अगर ये लोग खेलेंगे तो, और पीछे द रियल प्लेयर्स आर स्टैंडिंग, तो ये लोग क्या करेंगे? दिस वाज द लाइन, एंड शाहरुख खान बीइंग शाहरुख खान लाइक अगर ये लोग खेलेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने उस तरीके से मेरे सामने, और मैं जो हम लोग बचपन से करते हैं, शाहरुख बोला ये हो ही जाता है गर्दन अपने आप, तो मैं उनको देखते देखते मैं ऐसा ये लोग क्या करेंगे, तो मैं ऐसा मैंने भी ऑटोमेटिकली उनके सामने शाहरुख मेरी को चैनल मैं कर ये लिया। मैंने हाँ मैंने चैनल हो मतलब मेरे मेरे से एक्सप्रेशंस निकल गए, एंड आई वाज लाइक
एंड देन आई सडनली रिमेम्बर, उनको ऐसा ना लगे कि आई वाज मॉकिंग हिम, नो, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था. एंड वो मेरे दिमाग में था कि मैंने बहुत जोर से किया था, लेकिन मैंने बहुत सच में किया था. And you feel exposed when you're working with an actor or a star or of that caliber. अक्सर बोलते हैं कि don't meet your stars, but I think शाहरुख खान के लिए वो एक एक्सेप्शन है दैट ही मेंटेन्स हिज स्टारडम इफ नॉट इंक्रीजेस वंस यू मीट हिम. Yeah. No, it increases by tenfolds. Like, as a kid, Shahrukh Khan, but मेरे लिए आमिर खान वॉज ऑलवेज एज एन एक्टर. लाइक मेरी बहन को शाहरुख खान पसंद था, मुझे आमिर खान पसंद था. फिर जो जैसे बड़े होते गए, तो बहन को आमिर खान पसंद आया, तो फिर मैं बोला कि सलमान खान ही. तो वो चलते रहता है. सो बट शाहरुख खान, उनको मिलने के बाद इट वॉज जस्ट. एब्सोल्युटली. आई मीन हम लोग तो मिलते नहीं, बट व्हाट आई हैव रेड अबाउट हिम और हर्ड अबाउट हिम, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन एंड ही इज वेरी इंट्रोस्पेक्टिव. और जैसे वो खुद कहते हैं कि भाई मेरी एक्टिंग तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एंड ही विल डेप्रिकेट हिमसेल्फ यू नो. बट यू आर वेरी लकी कि यू यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिग बेनिफिट्स. वो स्ट्रगल का जो एक रिजल्ट है, जो आप, इट्स नॉट ओनली द फेम एंड यू नो जो पैसा वगैरह, बट इट्स टू मीट एंड वर्क विद सच टैलेंटेड पीपल. आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फ्रिंज बेनिफिट है. एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आपके कास्टिंग डायरेक्टर्स या आपका प्रोड्यूसर जो है आपको एज एन एक्टर शाहरुख खान के सामने स्क्रीन प्रेजेंस का टाइम दे रहा है, सो दे हैव डेफिनेटली वेटेड योर जर्नी, वेटेड योर टैलेंट. डज इट इवन नाउ एज एन एक्टर, क्योंकि हम एज एक्टर्स अब एक इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो हमेशा सीप इन कर जाता है कि एम आई एट द राइट प्लेस, एम आई डूइंग द राइट थिंग. डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, डज द अनसर्टेनिटी ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बॉदर यू? लाइक प्री कोविड ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट ड्यूरिंग कोविड जो 2 साल थे कि जब पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं, एंड पोस्ट कोविड, बट द वे द थिंग्स हैव वर्कड आउट एंड द वे एवरीथिंग हैज स्टार्टेड अगेन, सो अगेन होपफुल. मैंने जैसे कि कहा, कि जैसे सर ने भी कहा स्टार्टिंग में, कि फॉर एन एक्टर आपको ये, अगर आपने ये सोच लिया कि बस आई हैव अराइव, तो वहीं से मतलब खत्म हो गया. फिर देन देर इज नथिंग. तो वो कांस्टेंट चर्निंग और कांस्टेंट लुकिंग फॉर वर्क चलते रहेगा. वो आप कोई भी लेवल पे पहुंचो, वो तो कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा. अगर आप स्टार भी स्टार के लेवल पे है या कुछ है, तो फिर भी उनको भी अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं. So for if you want to go in this industry, there are kind of problems associated with it, where you constantly have to keep on doing. Every day is a new day. And Kavin, So during his workshop, has promised that he's going to do a exclusive Q&A for questions just like these, कि हम क्या करें अपनी इंडस्ट्री में और कैसे क्या करें लाइफ में. So that is something which I am looking forward to, pick your brains a little more, and hopefully उस एक एक्सपीरियंस से जो हमारे सिडनी के इमर्जिंग टैलेंट्स हैं वो यहाँ पे भी अच्छा आर्ट क्रिएट कर सकें. और डेफिनेटली अगर उनको मौका मिला तो किसी वक्त वो भी ऐसे ही करेंगे, अरे कविन के सामने हम एक्ट कर रहे हैं. सो वील हैव आर शाहरुख खान मोमेंट्स सून. या सो तौफीक, अपने लिसनर्स को बताएं हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द वर्कशॉप डोंट एक्ट, कहाँ पे, किस वक्त, हु टू कांटेक्ट, बता डिटेल्स दो. सो हु टू कॉन्टैक्ट, तो आप और किसी को नहीं, कहते सुनते को कॉन्टैक्ट करेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स मनवीर भाई, एंड वी विल डायरेक्ट यू टू द राइट प्लेस. सैटरडे को हो रहा है 6th एंड 7th, और मैं माफी चाहता हूँ, पिछली बार मैंने गलत डेट्स बता दी थी, 7 और 8 बता दिया था. 6 और 7 तारीख को हो रहा है, दैट इज सैटरडे एंड संडे, 1 o'clock to 5 o'clock, विनेगर हिल कम्युनिटी सेंटर में. हेनरी रूक रूम है लेवल 2 पे, विच इज जस्ट अबाउट द लाइब्रेरी लाइब्रेरी एंड इट्स अ लवली प्लेस, नाइस एक्सक्लूसिव प्लेस, एंड वेरी फ्यू
people are attending you, because we have handpicked and curated our class importantly, because hum bhi cha rahe hain ki unhi logo ke saath kaam kare jo in do din ko bilkul nichod le apne andar. Because we have Coven all the way, we do want to make sure that Coven is being able to give attention to all the participants. Absolutely. We are not making it a mass event. Excellent. So Coven, hopefully I'll see you there. मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं, एक्टिंग की नहीं, तो आई विल ट्राई टू बी देयर इफ आई कैन बी देयर, एंड इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर. आई एम श्योर. यस यस, थैंक यू. सो मेरा सौभाग्य था कि कविन एक्सेप्टेड टू डू इट विद अस एज क्रॉसओवर स्टोरीज, लेकिन मैंने कहा कि एवरीथिंग असाइड, सबसे पहले मैं एनरोल कर रहा हूँ, कहीं मुझे सीट ना मिले, उसके बाद जिसको आना आ जाए. चलिए, थैंक यू कविन. अभी भी सिडनी वैसे लाइव है, अभी भी आप जाके खूबसूरत सिडनी के दर्शन कर सकते हैं. इट्स ब्यूटीफुल आउट देयर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर सिटी. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर ह्यूमिलिटी. आई लव्ड योर ह्यूमिलिटी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू. ओके, यू हैव अ गुड नाइट. थैंक यू सो मच. थैंक यू कविन. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू तौफीक. थैंक यू. थैंक यू. सो दैट इज कविन दवे, और उनकी वर्कशॉप हो रही है सैटरडे और संडे को 1 से लेकर 5 बजे तक, विनेगर हिल कम्युनिटी सेंटर तक, लेवल 2, राउजल. राउजल, ये दिस इज, आपको डिटेल्स आ रही हैं आपकी स्क्रीन पे. आई होप आप लोगों ने कविन दवे का इंटरव्यू एंजॉय किया होगा, और उनकी ह्यूमिलिटी और जो एक्सपीरियंस है और इनसाइट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दैट.